भाई पर अगला प्लान बना लिया अपने को, बिन बुलाए ऐसे अनजान लोगों की शादी में नहीं जाना चाहिए भाई। भाई बुला रहे ना अपने को, तभी तो बन जा रहे हैं। कौन बुला रहा भूख भाई? बुलाती वो भू अपने को खाना नहीं खिलाएंगी, लाते खिलाएंगी लाते। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो जाना है हम जाएंगे। भाई चलो भाई बाय बाय करते हैं। ये देखो लोग पता नहीं किसको बाय बाय कर रहे हैं नकली। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि हर एक इंसान कभी ना कभी करना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके मन में रहता है कि एक बार ही ट्राई करना है, पर थोड़ा सा डर के कारण वो करते नहीं है। तो क्या करने वाले हो आपको आगे बताते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं घर में अकेला हूँ क्योंकि मम्मी पापा सब गए हुए हैं गाँव में शादी में। तो 5-6 दिन में आएंगे और हमारी एग्ज़ाम्स चालू है, तो एग्ज़ाम्स के बीच में खुद ही बनाना खुद ही खाने वाला सिस्टम चालू है। अभी मैंने यहाँ पे सिद्धेश और निशाद को बुला रखा है, तो हम तीनों यहाँ पे घर पे हैं। तो बैठे बैठे हमारा प्लान बना कि आज चलते हैं और किसी रैंडम शादी में घुस के कुछ खाते हैं और देखते हैं कि पकड़े जाते हैं, पकड़े गए तो क्या होगा, नहीं पकड़े गए तो कैसा माहौल रहता है, सब आपको पता चलेगा, मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिलहाल तो यहाँ पे अभी देखो पढ़ाई चालू है, बिल्कुल मेरा खुदा है, ये बहू भी लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई की, तो खाते खाते पढ़ाई चालू है यहाँ पे इनकी। तो इसलिए चलते हैं एक बढ़िया सी शादी ढूंढते हैं जहाँ पे बढ़िया सा मेन्यू मिले और खाते हैं बढ़िया। तो भाई मैं तो तैयार हो चुका हूँ, ये भी भाई हमारा पैंट पहन रहे हैं, पैंट लोअर पहन के आया था, ये भी मुंह धो लिया इसने, तो लगभग सब तैयार हो रहे हैं। और देखो क्या जल्दी जल्दी हमारे प्लान्स बनते हैं, आधे घंटे पहले प्लान बना, आधे घंटे 15 मिनट पहले प्लान बना कि कुछ बनाते हैं, फिर डिसाइड हुआ बनाते क्यों, शादी का मौसम है, कुछ खा के आते हैं, तो ऐसा प्लान है। चलो देखते हैं अब ये प्लान हमारा सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, ये हमको आगे पता चलेगा। तो देखते क्या होता है, कैसी एक्टिंग करते हैं हमारे बॉयज, लेट्स गो। देखो शादी के मतलब जहाँ पे हमको हंट करना है वहाँ पहुँच चुके हैं, देखो दोनों हमारे खड़े हैं वो जगह है, ये वो मेन गेट है, इसको पार करते हुए अंदर जाना है। तो ये दोनों पैदल जा रहे हैं, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, लेट्स सी। भाई हम अपने जगह पे पहुँच गए हैं, ये देखो सब तीनों है और ये देखो पीछे चाली चोली, ये देखो ये है एंट्री गेट, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एंट्री गेट है, अपने को यहाँ से जाना है। तो देखते हैं एंट्री मिलती है क्या और क्या हाल रहते हैं हमारे, चलो चलते हैं। देखो मैं ले चलूँ तुम लोग खिलौना, अंदर जा रहे हैं, देखो सब लोग लेना फोटो लेना, चलो लेट्स गो, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। और अभी हम जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी में, शादी थी, अब शादी सोच के आए थे। तो ये देखो हम अंदर आ गए, ये शादी नहीं है रिटायरमेंट पार्टी है। तो मेन्यू क्या है देखते हैं, ये देखो भाई को भाई, दोनों लोग कम खाना थोड़ा सा, क्यों ज़्यादा खाते तुम लोग, वो तो नहीं इधर टेस्ट जो टिक्का टिक्की थी ना, बड़ा टेस्टी, ये कैसे रॉ पनीर। लो भाई लोग का शुरू ही है, ये देखो भाई दोनों शुरू है, एकदम जोरदार शुरू है। सिद्धेश क्या ले रहा, क्या ले रहा, भाई फ्री का खाना ज्यादा टेस्टी लगता है, लग रहा है राज सिद्धेश को। और ये शादी नहीं है रिटायरमेंट है किसी का, जो भी हो खाना दे। अगर तू बोल रहा है ये रिटायरमेंट है, शादी में तो जाना पड़ेगा, अपने ब्लॉग में तो शादी बोल के रखा है। हाँ भाई बात तो सही, तो चलते लेट्स हंट अनादर।
मीठा खाने जाएंगे वहाँ पे, पनीर टिक्का स्टार्टर। चलो भाई बाय बाय करते हैं। ये देखो लोग पता नहीं किसको बाय बाय कर रहे हैं, नकली नकली बाय बाय करके आ रहे हैं लोग। हमारे अंकल थे, उनका रिटायरमेंट था। अच्छा तो आए थे खाना खाने। कुछ भी मतलब भाई को बाय किया मैंने, पता नहीं क्या है किसका है, खा पी के चल दिए सेकंड हैंड। ये देखो ये रिटायरमेंट का था, पता नहीं किसका था, लेट्स गो। और क्या रिव्यूज रहेगा इस क्या रिटायरमेंट पार्टी का? भाई पेट तो भरा है, और जितना ही भरा है एकदम क्वालिटी पेट भरा है। मैं तो पूरा प्रोटीन गया पेट रहा है, प्रोटीन इंटेक हुआ। तो भाई देखो ऐसे कुछ हाल है, इन लोग को शर्म भी नहीं आ रही कुछ, किसी की भी शादी में किसी के भी रिटायरमेंट में घुस जा रहे हैं। अभी मीठा खाने जाना है, अभी दूसरी शादी में मीठा खाने जाएंगे, इसमें नहीं खाएंगे बोलते, दूसरी जगह ट्राई करना है। तो अभी हम बाहर आके खड़े हैं और ये लोग देखो क्या बोल रहे हैं। बाहर स्वागत लोग खड़े, मंजिल वहाँ है, बस कुछ कदम की दूरी पे है, एकदम अच्छा अच्छा खाना खाने मिलेगा। मन तो है लेकिन थोड़ा सा अभी चलो ना, अभी देखेंगे ना, लात खाए तो लात खाए, खाना खाए तो खाना खाए, मीठा खाना है। चलो देख लेते, मैदान फतेह कर, लेट्स गो कर हर मैदान फतेह। देखो भाई कुछ ऐसा हाल है, चलो भाई अभी सही है, अच्छा तो है। अभी सीधे श्री पापा कहाँ खड़े हैं? अच्छा उधर खड़े है क्या, उधर खड़े है क्या? अभी अभी ऊपर गए, स्टेज पे गए हैं। भाई भाई तुम लोग क्या नकली लोगों में आला क्या नकली मैं बोल रहा, तुम हावा भी कर रहे। रिटायरमेंट पार्टी से डायरेक्ट शादी में आया और यहाँ का मेन्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। खाना ही नहीं रुक रहा भाई का, पूरा आइटम ही आइटम है यहाँ पे। ये देखो निषाद भाव तो शुरू है यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है, लहसुनी पालक। सिद्धेश तू काला जाम मत खाया कर भाई, मीठा खाना। वो भाई एक कॉफी मारते हैं, रेलवे में चालू है अभी, अभी क्या प्लान है? लेट्स राइड, अच्छा है, भटूरा और छोला भी है। निशान विद चीज बॉल्स, वो जलेबीनो बता रहा हूँ मैं, हाँ जलेबीनो वैसा लग रहा है, इसमें जलेबीनो नहीं है। नाइस, तो अच्छा अच्छा हिसाब ले रहे हो तुम लोग, हिसाब क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं सब, सही बात है, स्टूडेंट्स है। भाई भाई कुछ ज्यादा ही नहीं खुल गया क्या तू? भाई तू तो वो ज्यादा ही खुल गया बोला एक ही दिन में। ये देखो भाई साहब घूम ही रहे थे, दाल तड़का ले रहा दाल। ये मंचूरियन खत्म हो गए थे, तो ये भाव उनको जाके बोलते हैं भैया मंचूरियन खत्म हो गया डालो ना बोलते, आराम ही डाला, वो ज्यादा ही खुल गया बोला एक ही दिन में। ये बोलना उधर ज्यादा दवा लिया इसमें। भाई बस मैं ही हूँ जो कुछ नहीं खा रहा यहाँ पे, और ये दोनों देखो निपटाए जा रहे। चल सकते भाई, भूखे लाएगा कुछ, पापा पढ़ाइए वैसे की वैसे जेब में। आओ क्या दिखा दिखा दिखा, कौन सा लिफाफा है इसमें, दिखा कौन सा, ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा।
पानी पूरी भी खा रहा क्या? बहुत सारा अभी ये क्यों लिए चीज बॉल है? चीज बॉल अभी ये ले पकड़ सिद्धेश एक्चुअली पकड़ चीज बॉल का ठंडी है और एक चीज देना भी पिस्ता दो टिश्यू पर और लेके जा इसके ऊपर रख देंगे क्या कर रहा भाई ठंडी है क्या पूछ रहा हूँ बे भाई इशू निकल गया इसमें बे भाई तुमको सिर्फ खाने से सुकून नहीं मिला क्या सिर्फ खाने से सुकून नहीं मिल रहा क्या बे क्या ये आओ क्या तो भाई निजात को लग रहा है कोई इसको देख रहा है तो हम बाहर जा रहे हैं हमारा हो चुका है सब कुछ इधर भी हो गया है मैकेनाइजर्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और कैसे खाना आपको समझ में आया होगा मजा आया क्या मजा यहाँ जन्नत नसीब हो गई इन्होंने वो और बहुत कुछ तो इनके जेब में एक बार दिखाएगा कि नहीं यार ऑफ तो है बाहर चल के दिखाने का चलो पार्किंग में दिखा दो चलो एक क्या छोड़ दो ना भाई खाली ठीक है लेके भी जा रहे बोलते हैं आज रखते बोलते फ्रिज में कल गर्म मर आएंगे तो भाई चलो मतलब सीधे ही गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं घर फिर घर में जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ खा पी के बैक टू होम अब देखते हैं हमने कितना क्या बोलते हैं माल लगा कितना माल जमा किया है तो निशा देख एक कटोरी ले गया छोटी सी रुक में आता कटोरा आ गया है लेट्स सी हाउ मच ऑफ द एसेट्स वी गॉट निकालिए पहले आप ओ चीज बॉल्स बस पांच पीस वो भी एक टूटा हुआ वो हरा भरा कबाब नाइस चीज बॉल्स ओ डबल चीज बॉल्स नाइस तूने क्या रहा भाई बस हो गया ये ओ भाई साहब तो काफी एसेट जमा हो चुके हैं कल सुबह का सिस्टम अपना पक्का रहेगा तो भाई सिद्धेश कैसा था एक्सपीरियंस तो थोड़ी सी अंदर से डरा हो डर भी लग रहा था लेकिन मजा आया बहुत डर के आगे जीत है पेट भर गया तो मजा आ गया ये अगर लात पड़ी रहती तो मजा नहीं आता और इसको क्यों कैसे लगा रहे बहुत बढ़िया भाई मैं तो दाल चावल खाने वाला था बच गया कि हाँ। नहीं खाया दाल चावल तू कौन से अंकल बोल रहा था अपने को देख रहे थे ठीक भाई एक गुर इसको घूर रहा था वो जब इसने डाला ना जेब में हाँ हाथ बांध करके इसलिए मैंने उनको बोला चलो जल्दी चलो इनने जेब में डाल भी लिया और कोई खा भी नहीं रहा ऐसी रख दिए छोड़ लो बोलते कौन खाएंगे बोलते कल खाएंगे बोलते कल तक खराब हो जाएगा वो लेकिन लाना था बोलते फ्री में तो लेके आ गए तो मिठाई का सोच रहा था कि गुलाब जामुन लेके आएगा लेकिन गुलाब जामुन लेके नहीं आ पा था अगर घर से पन्नी लेके आता था तो शायद अच्छे गुलाब जामुन लेके एक बड़ा वाला तो भाई कोई ऐसा सीन था मजा आया और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये व्लॉग ऐसा सब लोग ट्राई मत करना हमने तो बहुत उसमें ट्राई किए क्या बोलते उसको बहुत इमरजेंसी था और हमारा परसों पेपर है पढ़ाई के लिए हमको समय निकालना था तो हमने बाहर खा के वो समय बचाया अपना ना कि घर पे बना कि फिर क्योंकि बनाना पड़ता फिर बर्तन धोना पड़ता अच्छा तो इसलिए हमने थोड़ा बोला कि ठीक है बट रहा है तो निपटा देते हैं हम लोग जो पहले जो शादी में गए थे वहां पे पहले अंकल खड़े थे हमको डर लगा हम लोग वापस दूसरी शादी में थोड़ा सा खाए और ईगो में आ गई थी तो वापस उसी शादी में घुस के हमने खाए कि वहां गए थे वहां जा नहीं पाए तो अंदर जाना ही था कुछ भी करके उसमें गए अंदर गए खाए फिर वापस आए तो ऐसा कुछ सीन था लेकिन मजा आया और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आएगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।